हरियाणा में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह और उस शपथ ग्रहण समारोह से पहले छिड़ा सियासी संग्राम। राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी स्थित अपने रामपुरा हाउस में अहिरवाल के 9 विधायकों की बैठक बुला करके इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अहिरवाल की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह का सियासी प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ। उस दौरान एक बयान भी राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 2024 के आते आते तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के रास्ते पर अग्रसर है और इसमें अहिरवाल इलाके का खास महत्व है। अहिरवाल इलाके की लगातार यहां पर अनदेखी जिस तरीके से हो रही थी, अब आने वाले वक्त में हम यहां पर मांग करते हैं कि अहिरवाल से चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं अपने नाम की दावेदारी पेश करते हुए राव इंद्रजीत सिंह नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा सीट से जिस तरीके से राव नरवीर सिंह चुनावी मैदान में जीत दर्ज करके आए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया और दिल्ली पहुंचने के बाद सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक राव नरवीर सिंह को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी है कि राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी को खत्म करने के लिए उनकी बेटी आरती राव को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ऐसे में आरती राव पहली बार जो विधानसभा का चुनाव जीतने में कामयाब हुई है, यदि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनती है तो इससे कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी को खत्म किया जा सकता है। राव इंद्रजीत सिंह लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ता इलाके के लोग ये चाहते हैं कि हमारे इलाके से मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वर्ष 1967 में पहली बार राव वीरेंद्र सिंह निर्वाचित मुख्यमंत्री अहिरवाल की यहाँ इलाके से बने थे और उसके बाद अहिरवाल को कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। राव इंद्रजीत सिंह ने पिछले दिनों जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर था यहाँ पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, हम चाहेंगे तो वे मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह का वो बयान काफी वायरल हो रहा है और इसको लेकर के लगातार सियासी सरगर्मियां तेज है। हालांकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये सवाल पूछा गया कि राव इंद्रजीत सिंह यदि कांग्रेस पार्टी में अपने समर्थकों के साथ वापसी कर लेते हैं तो क्या आप उनका समर्थन देंगे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा की राजनीति के कद्दावर नेता हैं, पुराने राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और यदि हमारे साथ गठबंधन के लिए सरकार बनाते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो इस पर सोच विचार किया जाएगा और राव इंद्रजीत सिंह की सियासी भूमिका भी निर्धारित की जाएगी। देखना ये होगा कि अब किस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह के तमाम ये जो जुबानी तीर हैं उन दावों को खारिज करते हुए और किस तरीके से इस पूरी नाराजगी को शांत करते हुए बीजेपी हाईकमान नजर आती है। क्या वाकई में राव इंद्रजीत सिंह को साधने में कामयाब हो पाएगी या फिर कोई हरियाणा में बड़ा सियासी खेल देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।